बैठे मुझे तारीफ ही करनी पड़ेगी। एक्चुअली मुझे पहले से ही हमेशा कॉमेडी शोज़ का बहुत शौक था और मैं फ़िलहाल जो कर रही हूँ वो भी एक कॉमेडी शो ही कर रही हूँ, क्या हाल मिस्टर पांचाल। और साथ में जब मुझे ये कॉमेडी रियलिटी शो करने का मुझे ऑफर आया तो आई वाज पहले तो मुझे बहुत जैसे होता है बटरफ्लाइज इन द स्टमक वो था, क्योंकि कभी लाइव शो करने का मौका कैसा होगा, कैसा एक्सपीरियंस होगा, उस चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था। बट क्योंकि मैंने दिल्ली में थिएटर किया है सो आई थॉट लेट्स गो अहेड विद इट एंड राइट नाउ आई एम ऑन क्लाउड 9 बिकॉज इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉमेडी सर्कल। क्या लग रही है? ओके वेल एक्चुअली लेट्स डू इट दिस वे कि ये मेरी अपनी लुक है तो मुझे किसी और की तरह नहीं लगना। लेट इट बी और जस्ट बी अरोरा ओनली मे बी दिस इज़ माई पहचान। एंड जो शो मैं कर रही हूँ क्या हाल मिस्टर पांचाल जिसमें मैं परी का किरदार निभा रही हूँ उसमें भी मेरी यही लुक है। एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर मैं कभी बिना फ्रिंज के कहीं जाऊँ तो इतनी पहचान मेरी लाइक मे बी पीपल वोंट बी एबल टू रिकग्नाइज मी जितना वो फ्रिंज के साथ करते हैं। सो दैट्स एन एडेड एडवांटेज। बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, क्योंकि हम जब कॉमेडी शो करते हैं तो हम रीटेक्स ले सकते हैं। अगर हमें लगा कि हमें कोई लाइन पंच क्लियर नहीं हुआ है तो वी कैन स्टिल टेक अनदर टेक कि नहीं नहीं एक और करते हैं। बट यहाँ स्टेज है, एक तरीके से लाइव है, देयर आर नो रीटेक्स, इसलिए आपने जैसा बोल दिया वैसा बोल दिया। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मेरी टीम में पारितोष त्रिपाठी हैं जो TRP मामा के नाम से जाने जाते हैं और अनीता हसनंदानी है यानी नागिन। सो वी थ्री आर लाइक अ हाउस ऑन फायर क्योंकि हम लोग बहुत मस्ती करते हैं, मज़ा करते हैं। इनफैक्ट हम जब रीडिंग्स करते हैं तब भी हम लोग इतना हंसते हैं अलग अलग पंच बना के, अलग अलग स्टोरीज बना के। सो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड दीज टू आर वंडरफुल पीपल टू वर्क विद। क्योंकि जहाँ तक पारितोष की बात है उन्होंने स्टेज और लाइव ये सब संभाला है तो हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है कि अगर कुछ बाई चांस गुप अप हो गया या कोई चीज़ नहीं सही तरीके से आई तो ही विल बी एबल टू कवर इट अप। एंड एज फार एज अनीता इज़ कंसर्न, अनीता इज़ अ सीनियर, वो मतलब उनको तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है एज फार एज प्रोफेशनलिज्म इज़ कंसर्न एंड हाउ टू टैकल थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स वंडरफुल एंड आई फील रियली ब्लेस्ड। मैं कहना चाहूँगी कि जितना प्यार आप लोगों ने मुझे परी के रूप में दिया है मैं चाहती हूँ कि उतना ही प्यार आप मुझे इस नए शो के लिए दें, कॉमेडी सर्कस के लिए। सो प्लीज़ वॉच कॉमेडी सर्कस। थैंक यू। अरे